प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है दो लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में, खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं वायनाड से आप चुन के आई हैं? कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। I'm here.